और क्यों प्रधानमंत्री ने उस बिहार इलेक्शन के दौरान जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं तुरंत वहां से प्रचार शुरू किया है 125 दिनों की, जो प्रवासी भारतीय उनके प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए जो है रोजगार की घोषणा की, और वहां पर सबसे पहले जो अपने भाषण की शुरुआत है वो उन्हीं बिहार से, जो हमारे सैनिक थे बिहार प्रदेश के रहने वाले उन्हीं से शुरुआत की, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के लिए कहा, बाकी के लिए नहीं कहा कुछ भी। तो क्या माना जाए, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री वो काम, प्रधानमंत्री करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं कि हमने लद्दाख में बड़ा करारा जवाब दिया। क्या करारा जवाब दिया आपने? 20 सैनिक मरे किसके? हमारे, जिसमें एक कर्नल भी हमारे। जो 10 सैनिकों को बंदी बनाया गया जिनमें 4 बड़े सीनियर ऑफिसर थे वो कौन थे? वो हमारे थे, भारत के थे। जो 76 लोग घायल हुए हैं वो कौन है? जो सैनिक 76 सैनिक जो घायल हुए हैं वो किसके हैं? वो भारत के हैं। चाइना का कोई सैनिक घायल हुआ? कोई सैनिक मरा? चाइना को कोई क्षति हुई? नहीं। चाइना ने वहां पहले टेंट लगाया, वो टेंट उखड़ गया? नहीं, बल्कि अब उससे भी बड़ा टेंट लगा दिया है, और सैटेलाइट की पिक्चरें जो लेटेस्ट पिक्चर आ रही हैं उनसे साफ है कि न केवल उसने तोपें लगा रखी हैं, उसने टैंक लगा रखे हैं, वहां दीवारें बना ली हैं, स्थाई उसने जो है वहां पे ढांचे खड़े कर लिए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो मैं तो कहूंगा सीधे सीधे कि ये देशद्रोह है, यही देशद्रोह है कि जमीन हमारी दूसरे देश ने कब्जा ली और आप कह रहे हो नहीं कोई नहीं कब्जे में है, सब कुछ ठीक ठाक है, यही देशद्रोह है। देशद्रोह वो नहीं है जो CA NPR और NRC के संबंध में जो निर्दोष लोग हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा, उनके खिलाफ UAPA कानून लगाया जा रहा, वो देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह ये है।